नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो रजवाड़ी रसोई। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट माधुरी। आज रक्षाबंधन है। जी मीडिया की तरफ से आपको राखी की ढेरों बधाई। और एक कोशिश हमारी रहती है कि हम हर त्योहार पर आपको कुछ स्पेशल दिखाएं। रजवाड़ी रसोई में भी आज देखिए राखी है। थोड़ा सा शेड्यूल सबका थोड़ा बिजी रहता है, लेकिन फिर भी आज हम डिस्टर्ब करने पहुंच गए एक फैमिली को और उनके बीच आके हमें बहुत अच्छा लगा है। और हम अब जाएंगे उनकी किचन में, वहां पे होगा आपके लिए कुछ सरप्राइज, क्योंकि भाई बहन दोनों हैं। दोनों क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह अपनी राखी को मनाएंगे और क्या वो स्पेशल एक दूसरे के लिए बनाएंगे, वो हम देखेंगे उनकी किचन में जब। रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार है, भाई बहन का त्योहार है, और ऐसे में रजवाड़ी में कुछ स्पेशल न हो ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे साथ आज दोनों हैं, सुरभि एंड सार्थक। ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर है और राखी को एंजॉय भी कर रहे हैं। आज राखी है तो सबसे पहले सार्थक मैं आपसे पूछूंगी कि राखी भाई के लिए स्पेशल होती है, हालांकि बहने तो ऑलमोस्ट तैयारी करके ही रखती है, आपके लिए कैसे स्पेशल है राखी? मेरे लिए इतनी स्पेशल है मैं क्या बताऊं, मेरी पूरी पॉकेट खाली हो जाती है उस दिन। चलिए, आपकी पॉकेट खाली हो जाती है। और आज हम रजवाड़ी में कुछ स्पेशल करने वाले हैं ना सार्थक, तो आप पहले बनाएंगे कि सुरभि? नहीं, पहले मैं ही बनाऊंगा। अच्छा, पहले आप बनाएंगे, मेरा आज भी इसे चांस नहीं देंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आप लड़िए मत। मैं चाहती हूँ कि सार्थक जो है वो पहले कुछ कुक करेंगे। आप क्या बनाने वाले हैं आज? मैं पिज्जा पॉकेट बनाने वाला हूँ। पिज्जा पॉकेट आपके लिए बनेगा। आपकी पॉकेट आज खाली होने वाली है, लेकिन आप पिज्जा को जरूर भरेंगे। तो सुरभि सार्थक तो आज पिज्जा पॉकेट बनाएंगे और उनकी पॉकेट आप पूरी खाली करोगे, इसलिए ये पिज्जा कोई भरेंगे आज उनके लिए कुछ स्पेशल। क्या करें वहाँ पर, तो आप क्या करने वाली हैं? मैं सरप्राइज रखूंगी, अभी नहीं बताऊंगी। ओके, वो थोड़ा सरप्राइज रखेंगी। हाँ, बाद में बताएंगे। चलिए पहले आप इसको बनाने दीजिए। मैं बहुत तैयारी कर रही है, मैं करके आती हूँ, जब तक शायद ये बना लूंगी। तो राखी की राखी है, थोड़ा राखी की तैयारी है, थोड़ा सा राखी है और इनको राखी के लिए स्पेशल कुछ करना है। तो ठीक है, आप अपनी तैयारी करके आइए, तब तक सार्थक भी, सार्थक के लिए भी आप, वैसे उसने तो बता दिया है कि वो पिज्जा पॉकेट बनाएगा, आप थोड़ा सा सरप्राइज। मैं सरप्राइज रखूंगी और अच्छा बनाना। चलिए ठीक है, आपको मिल गया इंस्ट्रक्शन कि अच्छा बनाना, आप तो अच्छा बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पॉकेट डबल खाली करेगी। तो सार्थक सुरभि तो चले गई, बढ़िया है, चली गई, शांति से काम करूंगा मैं। चलिए ठीक है, और आप बना रहे हैं पिज्जा पॉकेट? आज मैं पिज्जा पॉकेट बना रहा हूं, आई विश उसको बहुत अच्छा लगे। आप लड़ तो ऐसे रहे उसकी कि पता नहीं उसे अब खिलाना भी चाहते हैं कि नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो क्या क्या हमें चाहिए उसके लिए? हमें पिज्जा पॉकेट के लिए पिज्जा बेस चाहिए, पनीर चाहिए, पनीर पनीर चीज चाहिए, धनिया चाहिए। वन क्यूब हमने चीज लिया है पनीर के साथ। वन टी स्पून ग्रीन चिलीज, हरी कटी मिर्च एक चम्मच, दो चम्मच शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई, अपन चाहे तो कलरफुल भी यूज कर सकते हैं, येलो रेड, दो चम्मच बारीक कटा धनिया, ठीक है, वन टीस्पून अनियंस, थोड़ा सा ऑरिगेनो, मस्ट है इसमें, ठीक है, चिली थोड़े से फ्लेक्स एंड सॉल्ट टू टेस्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू टेस्ट।
जैसे ब्रदर हैं आप तो ऑफकोर्स हर ब्रदर अपने सिस्टर के लिए कुछ स्पेशल करता है, जो आज तैयारी कर रहे हैं उसने मतलब जी जान लगा कि ठीक है उसे पसंद आ जाए। नहीं ठीक है राखी है तो कुछ करना है बस ऐसे ही। मतलब ये कि आज राखी है इसलिए चलो ठीक है खुश कर देना चाहिए। बिल्कुल। बाकी लड़ते झगड़ते रहते हैं। हाँ वही जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं स्टफिंग रेडी हो गई है। ओके स्टफिंग इज रेडी, अब हम इसकी पॉकेट में स्टफिंग को फिल करेंगे। ओके तो ये तो बहुत ही जल्दी भी बन गया यार, आपने तो टाइम लगाया नहीं बिल्कुल भी। ओके थोड़ा सा डेलिकेट है, मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि बेड कहीं टूट ना जाए। जब इसको आप पॉकेट की तरह बनाएंगे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब आप क्या करेंगे? अब हम इसको कुक करेंगे। तो हम थोड़ा सा बटर मेल्ट करके इसमें गार्लिक क्रश करके डाला हुआ है मैंने। आपने ऑलरेडी ये बनाया? ये ऑलरेडी मैंने रेडी करा हुआ है। अब हम इसको इसमें सेकेंगे। ठीक है आपको सिर्फ इसको एक अच्छे से सेकना है। बिल्कुल। और गार्लिक आपने क्यों इसमें मिक्स किया है? गार्लिक से थोड़ा टेस्ट बहुत बेटर हो जाएगा। ओके और क्या क्या स्पेशल करते हैं हम सुरभि के लिए, क्योंकि वो तो आज आपके लिए सरप्राइज करने वाली है कुछ। मैं कुछ स्पेशल नहीं करता हूँ उसके लिए। बट यूजुअली कुकिंग आप करते हैं। बट यूज इसको मैंने पलट दिया है, पलट के ढंग से बटर लगा रहा हूँ दोनों तरफ, इससे थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। और बटर में थोड़ा गार्लिक है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी खुशबू निकलेगी साथ में। लेकिन एक बात बताओ, ये जो अंदर हमने स्टफिंग की है वो भी सिक जाएगी? स्टफिंग को सिर्फ गर्म करना है। वो टेस्ट अपने टेस्ट उसका वैसे ही कर दिया है। इसी के साथ पिज्जा पॉकेट रेडी हो गया है और चिपक गया है। अब हम इसको कट करेंगे। मुझे लगता है कि हमें इसमें ले लेना चाहिए इसको, मतलब ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये ऑलमोस्ट रेडी है, अब इसको तुम थ्री पीसेस में कट करेंगे। ओके और ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये खाने में भी इतना यम्मी होगा क्योंकि इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो सार्थक इट्स रेडी? यस इट इज रेडी। ओके तो पिज्जा पॉकेट्स बन के रेडी है, बस अब मुझे लगता है सुरभि को बुला लेना चाहिए कि उसे कैसा लगता है दिखाने के लिए, क्योंकि उसका काम तो वैसे चलता रहेगा लेकिन उसे बुलाना पड़ेगा। बुलाएंगे उसको और वो क्या सरप्राइज करने वाली है वो भी दिखाएंगे आपको, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की एलपीजी सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस एलपीजी सब्सिडी को ना कर दें तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना करें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। स्टाइलिश की सीटी तो बजेगी अपने आप स्टार सिटी प्लस, और इसका 110 सीसी इको थ्रस्ट इंजन भी बेहतरीन देगा स्टाइल से। नया टीवीएस स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। व्हाट्स दिस ब्रो? डिशफ्लिक्स होम वीडियो सिस्टम, कमाल की टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी फिर तो टेक सपोर्ट के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। आई डोंट थिंक सो। सेट टॉप बॉक्स में लगाओ, एक SMS करो और मूवीज चालू।
पर मूवीज तो पहले लोड करनी पड़ेगी। मूवीज तो प्री लोडेड है एंड वो भी नॉट वन बट 50 एड फ्री। जब मन करे प्ले करो, जब मन करे पॉज। वही 50 मूवीज के जिंदगी भर देखोगे, उसके बाद 50 में से हर महीने 15 मूवीज आउट, 15 नई इन। फॉर दैट यू नीड इंटरनेट, जिसके पासवर्ड के लिए तो डेफिनेटली मेरी जरूरत पड़ेगी। सॉरी ब्रो, नो इंटरनेट। बस सेट टॉप बॉक्स को स्टैंड बाय मोड पे रखो और मूवी कलेक्शन ऑटोमेटिकली रिफ्रेश, और वो भी सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ। और अगर कोई मूवी नहीं देखी और उससे पहले हट गई तो? हटने के 7 दिन पहले पता चल जाएगा। पर सिर्फ बॉलीवुड पिक्चरें कब तक देखोगे? हॉलीवुड की कलेक्शन के लिए तो मेरी जरूरत पड़ेगी। नाइस ट्राई, बट डिशफ्लिक्स पे हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों मिलेंगे। पर फिर भी तेरी जरूरत पड़ेगी यार, है ना? पॉपकॉर्न तो तू ही लाएगा। Introducing Dishflix, India's first home video system. A revolutionary way to watch movies. SMS Flix to 57575. रजवाड़ी रसोई। तो सार्थक ने तो अपना पिज्जा पॉकेट बना लिया सुरभि के लिए, वो बन के भी रेडी है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, उसे टेस्ट करेंगे, उसको प्लेटिंग भी करेंगे ढंग से। लेकिन उससे पहले हमें लगता है कि सुरभि को बुला लेना चाहिए। सुरभि, सुरभि, ओके, हाय हाय। तो अभी क्या आप जो बनाने वाली है, मतलब बनाना स्टार्ट करें? आप दीजिए, बनाओ आप। तो सुरभि, नहीं मैं नहीं बनाऊंगी, इसके सामने जाना ही पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है आपका सरप्राइज खत्म हो जाए। यार सरप्राइज है, खत्म हो जाएगा। राखी है, वो आपके लिए कुछ स्पेशल बनाए। चलो ठीक है, तो थोड़े बाद मिल लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी आपके लिए बनेगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं। तो सुरभि आपका सरप्राइज क्या है? मेरे भाई को मीठा बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए मफिन्स बना रही हूँ, वनीला मफिन्स। ओके, वनीला मफिन्स बनाएंगी सुरभि, क्योंकि इनके ब्रदर को, यानी सार्थक को मीठा बहुत पसंद है और राखी भी है, तो मुझे लगता है तो इसलिए कुछ मीठा हो जाए। चलिए, क्या क्या चाहिए हमें उसके लिए? जी, उसके लिए सबसे पहले हमको मैदा चाहिए, 1 कप मैदा, 1/4 कप बटर और 1/2 कैन कंडेंस्ड मिल्क, मिल्क में जो रेडी मिलता है बाजार में, बिल्कुल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस, लेमन जेस्ट और थोड़ा सा। तो शुरू करें, क्या क्या करेंगे हम लोग? मुझे लगता है अपने आप उसको, हाँ, इसको सबसे पहले प्री हीट कर लेते हैं। हम इसको 180 डिग्रीज पे, हम इसको 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करेंगे। ठीक है, 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके रख दीजिए, ताकि हम पहले तैयारी कर लेते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम मैदा लेंगे। मैदा में हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको हम साइड में रख देंगे थोड़ी सी। इसको हमने रख दिया। अब हम एक बोल में कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, 1/2 कैन कंडेंस्ड मिल्क, ये हमने इसमें। और हम इसमें 1/4 कप बटर डालेंगे, 1/4 कप बटर। अब हम इसको अच्छे से जब तक ये एक नहीं हो जाता। ओके, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, ये एक बैटर बन जाएगा थोड़ी सी देर में, 5-10 मिनट्स भी नहीं लगेंगे। हो गया है ऑलमोस्ट। अब आप देख लीजिए कि सिमिलर हो चुका है बटर, और आप कंडेंसमेंट अलग नहीं कर सकते। अब इसमें हम सारे वेट इंग्रेडिएंट्स डाल, और हम लेमन डाल रहे हैं, लेमन जूस है। इसकी जगह हम विनेगर भी डाल सकते हैं, बट आई प्रेफर लेमन, क्योंकि विनेगर में फ्रेश, ये फ्रेश रहेगा, फ्रेश रहता है। और दूसरा, लेमन से और विनेगर से हल्का सा कड़वास भी आ सकती है कभी कभी। और इसमें हम 1/2 कप मिल्क भी डाल देंगे। ठीक है, अब हम उनको अच्छे से मिला लेंगे। जब ये हो जाएगा तब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे।
सार्थक को मीठा बहुत पसंद है, उसको मीठा बहुत पसंद। हालांकि वो मुझे सार्थक जैसा बता रहे थे क्योंकि आप पहले अपना काम में बिजी थी, वो बता रहे थे कि उन्हें मतलब यूजुअली वो आपके लिए कुक करते हैं। जी मैं कुक नहीं करती, सिर्फ नानी इसलिए कर रही हूँ, अदरवाइज मेरे को कुक करना अच्छा नहीं लगता। तो मतलब आज आप भी अपने भाई को कुछ थोड़ा सा स्पेशल, जी थोड़ा सा स्पेशल फील करा सकते हैं। अब इसमें हम सारे ड्राई इंग्रीडियंट्स मिक्स कर देंगे, मैदा, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ओके, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट्स लगेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें बिल्कुल लम्स नहीं आने चाहिए। बिल्कुल चलाते रहें ताकि चलाते रहें। तो अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। ओके, तो अब हम ये बैटर भी रेडी हो चुका है। बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम मोल्स लेंगे, मफिन मोल्स। मेरे पास सिलिकॉन के हैं, एल्यूमिनियम के भी आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। सो ये बैटर अब हम इनमें डालेंगे एंड इसमें आप पेपर कप्स लगा देंगे तो बेटर रहेगा, लुक बेटर आता है। अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो फिर उसे दिखने में वो अनफिनिश से लगते हैं। तो अब हम इसमें 2 स्पून डालेंगे, 2/3 भरना है हमको ताकि वो बेक होके ऊपर आ जाए, उसको स्पेस मिले। हाँ जी, बहुत केयरफुली इसको हम करेंगे। ठीक है, इसको हम अच्छे से 3/4 भर देंगे। 2/3, 3/4 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इस बार राखी पे क्या सोचा है आपने, क्या क्या उससे मतलब उसकी पॉकेट पूरी खाली करने का प्लान है? कि मैं तो पूरी खाली करनी है क्योंकि पिछली बार उसने मुझे कम दिया था, तो मेरा पिछली बार का भी लूटना है। यही एक दिन होता है या अक्सर आप लूटती रहती है? बेसिकली तो बर्थडे, भाई दूज, राखी, ये स्पेशल हो जाता है कि आपको ये है कि आपको लाइसेंस है आज तो आप कर ही लेते हैं। अब ये हमने मोल्स में डाल दिए हैं। अब आप चाहें तो किसी पे हम चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, जैसे किसी में आप पहले ही डाल रही हैं जी, ताकि ये बेक होके उसके अंदर रह जाएगा। अगर ऊपर से डालेंगे तो वो हट जाएगा, हट जाएगा। और एक मैं डाल रही हूँ जो मैं मिक्स करूंगी, तो ये इसके अंदर तक हो जाएगा, वो सिर्फ ऊपर है और किसी में अंदर है, किसी में अंदर है। और दो वेनिला बनाऊंगी और 2 मैं न्यूटेला बनाऊंगी, तो वो बाद में उसके ऊपर से लगाएंगे। ओके, तो वो बेक हो जाएगा उसके बाद लगाएंगे। ओके, तो अब हम इसमें रखेंगे बेक करने के लिए। ये प्री हीट कर रखा है हमने जी, हमने ऑलरेडी प्री हीट कर रखा है। ओके, डन ना, इट्स डन। थोड़ा सा बस केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत गर्म गर्म है। और अब इसको हम 18-20 मिनट्स के लिए बेक करेंगे और उसके बाद निकालेंगे जब, तो ये एकदम से रेडी होगा और आपका सरप्राइज भी आपके सार्थक को बहुत अच्छा लगेगा। आई होप सो इवन कि कोई भी सिस्टर अगर इतना प्यार से बनाएगी, क्योंकि आपने बहुत प्यार से उसके लिए बनाया है, बहुत सारी चीजें ध्यान रखी है। चलिए ठीक है, 20 मिनट्स वेट कर लेते हैं। 20 मिनट्स के बाद हमारी डिश जो है वो रेडी है, वनीला मफिन। चलो आई थिंक, मुझे लगता है सर भी 20 मिनट्स हो गए, तो ये डन है। बस देख लेते हैं एक बार, आप इधर आ जाइए, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा सही रहेगा। आई थिंक अकॉर्डिंग टू साइज तो हो गए हैं। ये थोड़ा सा गर्म होगा? नहीं, सिलिकॉन मोल्ड को आप हाथ से छू सकते हैं। ओके, वाओ जी, इट्स डन। या इट्स डन, ये बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। ये बन के बिल्कुल रेडी है, जो सुरभि का सरप्राइज सार्थक के लिए वो बन के रेडी है। सार्थक को बुलाएंगे और इनको टेस्ट भी करेंगे, सबके साथ में इसको टेस्ट करेंगे, लेकिन थोड़े से देर के लिए रुकना पड़ेगा, छोटे से ब्रेक के लिए। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ मेरे शो में, मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो,
ओके प्लस वृद्धि पूर्णता वास्तु निर्मित जेडीए अप्रूव 1, 2 और 3 BHK स्विमिंग पूल एसी जिम बेसमेंट और ओपन पार्किंग 160 फीट रोड रामनगरिया साउथ जगतपुरा जयपुर स्टाइलिश की सीटी तो बजेगी अपने आप स्टार सिटी प्लस और इसका 110 सीसी इको थ्रस्ट इंजन भी बेहतरीन ब्रेकअप स्टाइल से नया टीवीएस स्टार सिटी प्लस स्टाइल का नया स्टार सार्थक दोनों मेरे साथ हैं। दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाई हैं। मुझे लगता है कि हमें बस इन्हें खाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपको गार्निश करना है इसको पहले, थोड़ा सा ठीक है। आप इसे गार्निश करिए अच्छे से और फिर हम सब मिलके इसको अच्छे से खाएंगे, क्योंकि आज राखी है और ये एक फैमिली फंक्शन है, तो मुझे नहीं लगता कि फैमिली के बिना ऐसे मनाना चाहिए। तो स्टार्ट करें, पहले मुझे लगता है सार्थक करेंगे। हाँ, उसको हर काम की थोड़ी जल्दी जल्दी रहती है। ठीक है सार्थक, राखी है तो थोड़ा सा स्पेशल हो जाए। हाँ बिल्कुल, देखते हैं लड़के कितनी अच्छी प्लेटिंग कर सकते हैं। सुन रही है, इट्स अ बिग डील। ये क्या बनाया? ये राखी बनाई है मैंने। ओके, राखी बना दी आपने। क्या राखी है? वाओ यार, मानना पड़ेगा सुरभि, मतलब बंदे में दम तो है। ऐसे नहीं है कि ऐसी कुकिंग की है। ये ट्रेनिंग कहीं से मिली है इनको कि खुद ही करता है? ट्रेनिंग कौन देगा, मैं तो बनाती नहीं हूँ। चलो ठीक है, तो आपकी गार्निशिंग कंप्लीट हो चुकी है। चलो ये डिश आपके सामने रेडी है, जो पिज्जा पॉकेट। आज इनकी पॉकेट खत्म होने वाली है, लेकिन पिज्जा पॉकेट आप खा सकते हैं क्योंकि इन्होंने बनाकर रेडी किया। और अब बारी है हमारे मफिन्स की, वनीला मफिन्स की। ये तो मैंने इनको प्लेट पे ऑलरेडी रख दिया है, बस अब चॉकलेट सॉस से और चिप्स से हम थोड़ी गार्निश करेंगे। मुझे लगता है इसको ओवर गार्निश करने की जरूरत नहीं है, तो हल्का सा ऐसे हमने किया। मैं भी राखी बना रही हूँ उसके लिए, उसको तो मेरे लिए कुछ गिफ्ट बनाना चाहिए था, राखी मैं बांधी। हाँ बिल्कुल, ये एकदम सही था सार्थक, कुछ गिफ्ट बनाना चाहिए था, बिकॉज राखी तो आप बांधेंगी। और देखिए इतनी चॉकलेट भरी राखी है, मतलब किसे पसंद नहीं आएगी, है ना? बिल्कुल, तो हमारी दोनों डिशेस बनके एकदम रेडी हैं। एक तरफ मफिन्स, वनीला मफिन्स, और दूसरी तरफ हमारे पिज्जा पॉकेट है। मुझे लगता है सुरभि अब फटाफट हमें इन्हें टेस्ट कर लेना चाहिए। वैसे मैं बता दूं अंकू कि बहुत बिजी हैं आज सब लोग, लेकिन फिर भी मैंने इनको बुला के बता दिया क्योंकि मैं अकेले नहीं खाऊंगी आज, मुझे मेरा मन है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी है। ओके, आई टेक दिस वन। ओके, आई टेक दिस वन। व्हिच एवर यू वांट। ओके, लास्ट वन चॉकलेट चिप्स वाला। चलो ठीक है, मुझे लगता है अब हमें इसे टेस्ट करना चाहिए। पहले मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है उन्होंने पिज्जा पॉकेट। हालांकि ये थोड़ा सा मुझे लगता है ठंडा हो गया, थोड़ा सा गर्म होता तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। कोई बात नहीं, इसे आप गर्म गर्म खाइएगा, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। सच में बहुत बहुत यम्मी है, और मुझे लगता है मुझे मफिन भी टेस्ट करना चाहिए पहले। बहुत सॉफ्ट है, बहुत यम्मी है। थैंक यू, बहुत यम्मी है। थैंक यू सो मच सुरभि, थैंक यू सो मच सार्थक। आप भी खाइए, आपकी मैंने बहुत बहुत मेहनत से बनाया। आई थिंक आपको पिज्जा पॉकेट भी खाना चाहिए, बहुत बहुत यम्मी है। सच में बहुत बहुत अच्छा बना है, मुझे लगता है आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। वैसे अच्छा बना ही है, इसलिए चलिए आज राखी है। मुझे लगता है मुझे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हालांकि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो भी खाए, क्योंकि बाकी में बहुत अच्छा बना है।
तो राखी है, एक बार फिर से मैं आप सभी को राखी की ढेरों बधाई देती हूँ। आप अच्छे से अपना जो फेस्टिवल है वो एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि प्यार का त्योहार है, भाई बहन के रिश्ते का त्योहार है, अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और फिलहाल रजवाड़ी रसोई में इतना ही, हम लोग यहाँ पे पार्टी करेंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है हमारा, लेकिन आप जाते जाते रेसिपीज लिखना मत भूलिए। ओके, तो बाय बाय, और हम लोग करेंगे पार्टी। बाय बाय टाटा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक।